Hi, I'm Sunny Sukla. Today our topic is Word Sum, Chapter 2, Solution of Exercise 6. My dear student, ये जो आज हमारा problem start होने वाला है, ये इससे पहले जब आप class 4 में होंगे, तो आपको आप कह सकते हो कि सर ये सबसे hard लगता है मुझे, ये word problem बनाना सबसे hard है. लेकिन मैंने आपको first video में और अपने पिछले video में भी आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि सारे चीज आपके एकदम इजी हो जाए. और इसके लिए इन वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए आसान चीजें मैंने बनाए हैं. उन चीजों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे. आप कहोगे कि सर आप इसको कैसे आसान बनाने के लिए क्या करने वाले हो, तो माय डियर स्टूडेंट, जब वर्ड प्रॉब्लम को हम बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है कि सर हम उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, बट वो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने से मुझे पता नहीं चलता कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है. तो माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए मैं ऐसा आपको वर्ड लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं कीवर्ड. जो कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड को अगर आप जान लो, अगर वो स्टेटमेंट में यूज होते हैं, तो आप कम से कम 90% आपको ये पता लग जाता है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है, ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, वो किस चीज से रिलेटेड है, एडिशन से रिलेटेड है या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ फोकस ऑन कीवर्ड ऑफ एडिशन. ये जो मैंने कीवर्ड लिखा, ये जरूर आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें, और नोटबुक में भी नोट कर लें और इसको रिमेंबर भी कर लें अपने माइंड में, ताकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए जाओ तो ये सारे वर्ड जब आपको वर्ड प्रॉब्लम में मिले तो आप देखते ही पहचान जाओ कि ये मेरा एडिशन से आया है ये वर्ड प्रॉब्लम, या ये मेरा सब्ट्रैक्शन से आया है. सपोज करो कि अगर कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड ऑफ एडिशन में कौन कौन सा कीवर्ड है ये देखो. अगर टोटल यूज होता हो, सम यूज हो, प्लस यूज हो, इन ऑल, ये अगर यूज हो, टुगेदर यूज हो, या ऑल टुगेदर यूज हो, या इंक्रीज बाय, ये टर्म्स अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम में यूज हो, तो आप ये देख करके समझ जाओ कि ये जो मेरा वर्ड प्रॉब्लम है, ये एडिशन से रिलेटेड है. अभी ये सारे वर्ड का मैजिक मैं आपको आपके स्टेटमेंट में लिखाऊंगा, आपके वर्ड प्रॉब्लम में दिखाऊंगा. ऐसे ही कीवर्ड ऑफ सब्ट्रैक्शन है, मैंने लिख रखा है. अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, अगर उसमें डिफरेंस वर्ड यूज हो, लेफ्ट वर्ड यूज हो, रिमेन्स यूज हो, टेक अवे यूज हो, माइनस यूज हो, लेस यूज हो, या हाउ मैनी, मतलब हाउ मैनी ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे हाउ मैनी लेफ्ट, हाउ मैनी रिमेन्स, हाउ मैनी पीपल, या हाउ मैनी रेस्ट, बचना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बचना. तो इस चीजों का आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट करो. अब ये वर्ड यूज कैसे होते हैं, जब आपके स्टेटमेंट होंगे ना, तो जो लास्ट वाला जो हमारा लाइन होता है, उसी में आपको ये वर्ड मिलेंगे. और कैसे मिलेंगे उसको जरा सा देखते हैं. मेरे पास आपके ही एक्सरसाइज 6 का पहला वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है, इसको मैं देखता हूं और इससे पता लगाता हूं अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग कि हमारा ये स्टेटमेंट ये. और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू राइट स्टेटमेंट. आपने क्लास 4 में स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा, आपने सिर्फ सॉल्यूशन करा होगा, ये मैं कह सकता हूं, या आप भी सोच सकते हो कि सर सही बोल रहे हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हम वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना भी सीखेंगे. कैसे लिखेंगे, तो देखो स्टेटमेंट लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि पूरा आप ये पूरा सेंटेंस लिखो, बट पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. आप जब स्टेटमेंट पढ़ो तो स्टेटमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए वर्ड का, और उसमें से जो हाइलाइटेड टर्म है उस चीजों को पहले आप स्टेटमेंट पे लिखो, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हो, जो आपके नंबर के साथ लगते हो, जो भी नंबर होगा उसके साथ जो वर्ड यूज होता है वही उसका स्टेटमेंट बनता है. कैसे बनता है वो जरा सा हम देखते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड बाई डेली मेट्रो ऑन मंडे वाज 620,147. चलो अब इतने ही का हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हाइलाइटेड चीज क्या है कि पीपुल किससे जा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो से जा रहे हैं. तो ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं किस चीज से, तो दिल्ली मेट्रो से. तो हम आप इसका छोटा सा कैसे बना सकते हो इसका स्टेटमेंट, पीपुल ट्रेवल ऑन मंडे, ये भी आप लिख सकते हो. मेट्रो दिल्ली मेट्रो नहीं लिख सकते, ट्रेवल करना है तो वो तो मेट्रो से करे, वो तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, या साइकिल से करे, या रिक्शा करे. एक ऐसा आपको लिखना होता है जिससे आपके स्टेटमेंट, आपके वर्ड प्रॉब्लम की चीजें उसमें दिखे. तो मैं इसका स्टेटमेंट आंसर लिखता हूं,
आंसर बना पाता है। तो पीपुल ट्रेवल, पीपुल ट्रेवल ट्रेवल ऑन ऑन मंडे, ऑन मंडे पीपल ट्रेवल ऑन मंडे इक्वल्स टू, देखिए ये हमारा पीपल ट्रेवल ऑन मंडे, कितने मंडे को ट्रेवल कर रहे हैं, 6 लाख, वेरी गुड, 6,20,147, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट बहुत छोटा सा, पीपल ट्रेवल ऑन मंडे, मंडे को यात्रा करने वाले लोग इतने हैं, 6,20,147। अगर आपसे पूछता है कि किस चीज से ट्रेवल कर रहा है, तो सर देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ मैक्रो, तो ये जरूर देखने की जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर आपका ऑन ट्यूजडे इट वॉज 5,93,247। अब ट्यूजडे को, तो ट्यूजडे को भी लोग ही ट्रेवल करेंगे, तो आप लिख सकते हो, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब होता है जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं वही वर्ड लिखे, तो पीपल ट्रेवल ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे पीपल ट्रेवल ऑन ट्यूजडे, पीपल ट्रेवल ऑन ट्यूजडे कितना, 5,93,000, 5,93,247। अब फिर हमारा क्या कहता है, पीपल ट्रेवल ऑन, फिर उसके बाद हमारा क्या, एंड ऑन वेडनेसडे वाज इट वाज 6,43,147, पीपल ट्रेवल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमारे कितने पीपल जा रहे हैं, ये देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ उसी के तरह उसी को लिखना है, और पीपल ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो 6,43,147, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, आप पढ़ते जाओ अपना स्टेटमेंट लिखते जाओ, और ये कीवर्ड याद रखो। अब आता है हाउ मैनी पीपल ट्रेवल ऑन ऑल दीज थ्री डेज, ऑल, तो ऑल को जो हमारे ऑल है ना, इन ऑल, देखो इन ऑल है ना, मतलब इन ऑल या ऑल, ये दोनों टर्म लिखी है, मतलब ये तीनों दिन को मिला करके कितने लोग ट्रेवल किया, तो अब आपका जो आंसर होना चाहिए, तो अब हमारा क्या होना चाहिए, तो अब ये सबको जोड़ेंगे, तीनों दिन के अगर हम अपने पूरे पीपल को जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ पीपल हमारा आएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल ट्रेवल इन थ्री डेज, इन थ्री डेज, क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करना मैं नहीं बताऊंगा, यहीं पे आप तीनों को, तीनों नंबर लिख दोगे और तीनों नंबर को यहां पे कॉलम वाइज लिख करके और ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि सर ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं सॉल्यूशन करने की तरीका बताऊंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम आपको करना है, तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखने जाओगे तो आप इससे पता लगेगा कि आपको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट कीवर्ड, यू गॉट द दिस प्रॉब्लम इज बिलोंग्स फ्रॉम एडिशन, दिस प्रॉब्लम इज बिलोंग्स फ्रॉम सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ आवर सेकेंड प्रॉब्लम इज द सम ऑफ टू नंबर इज 54,32,08,631। इफ वन ऑफ देम इज 12,24,50,948। फाइंड द अदर नंबर। माय डियर स्टूडेंट, अब ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, अब कहोगे सर वो कीवर्ड तो मिल नहीं गया, लेकिन आपको कीवर्ड है आपके पास, कैसे है वो करो, क्या है सम, तो क्या कहता है सम ऑफ टू नंबर, और हमने पढ़ा है हम दो नंबर को जब ऐड करते हैं तब हमको सम मिलता है, तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, वी हैव सम, सम ऑफ टू नंबर, तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट अपना लिख लें, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू के पास इज नहीं लिखते हैं, इज उस नहीं लिखेंगे बस, तो हम अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 54 करोड़
32,08,631, ठीक है सम हमारा दो नंबर, तो दो नंबर को जब जोड़ते हैं तो वो पहले ही हमारे पास आ चुका है। अब इफ वन ऑफ देयर इज, अब वो जो दो नंबर को, जो दो नंबर को ऐड करने से हमको ये नंबर मिल रहा है, उसमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, वन ऑफ देयर, तो आप उसको वन नंबर भी लिख सकते हो, वन नंबर इक्वल्स टू जो नंबर हमको दिया हुआ, तो वन वन ऑफ देयर भी लिख सकते हो या वन नंबर भी लिख सकते हो, वन नंबर इक्वल्स टू, वन नंबर इक्वल्स टू हमारे कितना दिया हुआ 12,50,948। सो माय डियर स्टूडेंट, अब सपोज करो ये इतने बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको छोटे से समझते हैं। सपोज करो कि एग्जांपल के लिए समझो कि हमारे पास दो नंबर है, सपोज करो कि 250 एक नंबर है, प्लस इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करते हैं, इस 250 में ऐड करना हमको एक नंबर। अब देखो 250 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको 300 मिल जाए, तो देखो यही सेम चीज यहां भी है, एक नंबर तो आपको एडेंस दिया हुआ है लेकिन ये दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप आगे ना आपके दिमाग में आंसर कि सर यहां पर 50 होगा, कैसे करा, तो वो चीज आपको खोजना है, कैसे करा, आपने कहा कि सर 250 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो 300 मिला, लेकिन बड़े क्वेश्चन में और अपने दिमाग को और साफ बनाने के लिए सर सम में से हम इस नंबर को घटा देंगे तो हमको दूसरा एडेंस या दूसरा नंबर मिल जाएगा, तो यू गॉट द फॉर्मूला। तो हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि जब भी आपको अदर नंबर पूछे, सम दिया हो एक नंबर दिया हो अदर नंबर पूछे, तो आप सीधा लिख सकते हो अदर नंबर इक्वल टू, अदर नंबर इक्वल्स टू, अदर नंबर इक्वल्स टू आप लिखो सम सम माइनस वन नंबर, वन नंबर सम माइनस वन नंबर, देखो सम माइनस वन नंबर, तो आप इसमें देखो ये अदर नंबर हमको निकालना था, फाइंड क्या करना था अदर नंबर, तो हमारे पास सम भी है और अदर नंबर भी है, तो सम हमारा कितना, ये हमारा सम है, तो सम को लिख दिया हमने 34,32,831 माइनस वन नंबर हमारा कितना, वेरी गुड 12,24,50,948 माय डियर स्टूडेंट। और स्टेटमेंट में जब भी आप लिखो ना तो हॉरिजॉन्टल मेथड में ही लिखो, और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मान लो हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको दिक्कत होता है, तो जब आप अपने नोटबुक पे इस स्टेटमेंट को लिखोगे तो आपको पास में एक यहां जगह खाली मिलता है, उस खाली जगह पे आप इसको कॉलम मेथड से घटा लो, और कॉलम मेथड से घटाने के बाद जो आंसर यहां पे आएगा, मान लो ये आपका ये नंबर हो गया और ये नंबर दूसरा नंबर आपका ये होगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहां पर आंसर आएगा, तो जो आंसर यहां पे आएगा उसको आप यहां पर लिख देना, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट ये मैं तो लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं, और ये सॉल्यूशन भी वीडियो से आप देख करके अपने नोटबुक में लिखेंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट आप खुद करेंगे। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया इसी तरह से, अब मेरे पास बुक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको बताता हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो मैं 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, स्टेटमेंट लिख दूंगा और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको खुद करने होंगे, तो चलिए उसका क्वेश्चन, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए तो हम लोग रीड करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास कीवर्ड है वो तो आप जानते हैं, कीवर्ड्स को भी हमको दिमाग में रखना है और स्टेटमेंट के लिए भी, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते उसके मतलब को जानते हैं, तो क्या कहता है, ऑन एन इलेक्शन आउट ऑफ टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स है एक इलेक्शन में, एक चुनाव में दो कैंडिडेट्स है, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 83,15,364 वोट, जो दो कैंडिडेट है उसमें से जो हारने वाले कैंडिडेट है उसको कितना मिला वोट, 83 लाख
15,364 वोट। तो आप इतने ही वोट का पहले ये हमारा नंबर पहला नंबर आ गया। पहले नंबर के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट क्या बना लेते हैं, तो आप खुद सोचिए, ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से हम इसको छोटा करते हैं। ऑन एन इलेक्शन आउट ऑफ टू कैंडिडेट द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 83,15,364 वोट। तो वोट किसको, ये इतना वोट किसको मिला, लूजिंग कैंडिडेट को। तो आप देख सकते हैं वोट ऑफ लूजिंग कैंडिडेट, बस इतना ही स्टेटमेंट। आंसर में हम लोग चलते हैं, लिखते हैं वोट ऑफ वोट्स ऑफ लूजिंग कैंडिडेट, वोट ऑफ लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट को हमारा कितना वोट मिला है, तो 83,15,364। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने का, स्टेटमेंट आपको वही मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि जो हाईलाइटेड चीज है उसको आप अपने सेंटेंस में अपने छोटे से वर्ड में बना दो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहता है, अगला चीज पढ़ते हैं। एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट 18,36,945 वोट मोर देन हिम, मींस कि जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है उसको 18,36,945 वोट अधिक मिला है, किससे, लूजिंग कैंडिडेट से। यहां हिम से मतलब है लूजिंग कैंडिडेट से। तो वोट ऑफ, तो हमारा अब क्या बनेगा स्टेटमेंट, वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट। तो क्या कह रहा है कि इसके वोट से इतना वोट उसको ज्यादा मिला है, तो इसके वोट में ये वोट हम ऐड कर देंगे तो विनिंग कैंडिडेट का वोट हमारा आ जाएगा। वेरी गुड, तो आप इसको 83,15,364 ये हमारा हो गया। और उसके प्लस लूजिंग कैंडिडेट इसका जो इसको उससे अधिक मिला है, तो उसके इसके बारे में जितना वोट उसको अधिक मिला वो हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 18,36,945। अब इस दोनों को जब आप ऐड करिएगा, जब आप ऐड करेंगे तो आपका विनिंग कैंडिडेट का वोट आ जाएगा, नंबर ऑफ वोट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये, अब ये यहां नहीं, इसका भी आप रफ बगल में कर देना, यहां आपके कॉपी के बगल में ये जगह मिलेगा, तो इसके बगल में आप दूसरे टर्म्स को ऐड करके उसका आंसर यहां लिख देना, तो विनिंग कैंडिडेट का पूरा वोट आपके पास आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या कह रहा है, E 3,653 वोट वेयर फाउंड इनवैलिड, मतलब 3,653 वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, वो वोट काउंट नहीं होता है। तो हमारे पास कितना वोट है, इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट हमारे पास कितना है, इनवैलिड वोट्स हमारे पास कितना है, 3,653। अब ये लिख दिया इनवैलिड, हाउ मैनी वोट्स वेयर कास्ट इन ऑल, हाउ मैनी वोट्स कितने वोट कास्ट हुए। तो अब आपको क्या करना है, तो देखो इतने वोट तो मिले लूजिंग कैंडिडेट को, और ये दोनों वोट मिलाकर के इतना ये जो आंसर आएगा ये मिला विनिंग कैंडिडेट को। ठीक है, तो दोनों का हम ऐड करेंगे, पहले टोटल वोट निकालेंगे। तो आप लूजिंग कैंडिडेट का और विनिंग कैंडिडेट का वोट ऐड कर दोगे, यहां पे ये दोनों का ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल वोट आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से अब सपोज करो, अब उसके आगे वाला समझो, तुम्हारे पास 10 आम है, 3 मैंगो है, और उसमें से 4 मैंगो रूटे निकल गया, सड़ा हुआ निकल गया, तो तुम्हारे पास कितने आम बचे, वेरी गुड, 6 मैंगो बचे ना। तो वैसे ही जब आपके टोटल वोट आपके पास आ जाएंगे, उसमें से ये इनवैलिड जिस वोट का कोई काम नहीं है, क्या करेंगे, उसको
तो घटा देंगे उसको। तो उसके लिए स्टेटमेंट का लिखा लिख रहे हम लोग यहां पर लिख देते हैं टोटल कास्ट वोट, कास्ट वोट भी आप लिख सकते हो, कास्ट वोट इक्वल्स टू जो इस दोनों को ऐड करके जो हमारा सम आएगा वो लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हमारा कितना है 3,653। माय डियर स्टूडेंट ये आपका वर्ड सम का टाइप 3 था। माय डियर स्टूडेंट अब जब आप अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम अब नहीं परेशान करने वाला है, इतना मुझे भरोसा है। जब आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, कीवर्ड्स का पूरा नॉलेज आप ले लोगे, फिर स्टेटमेंट बनाना भी आप जान लोगे कि स्टेटमेंट में ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन के बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी डीलर बॉट 2 पीसेस ऑफ लैंड फॉर ₹43,16,945 and ₹26,34,153। ऑन सेलिंग दीज प्लॉट्स टूगेदर ही अर्न अ प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ ₹3,15,452। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल लैंड। माय डियर स्टूडेंट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव। सो नाउ हम लोग अपने मैजिक जो कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक प्रॉपर्टी डीलर बॉट 2 पीसेस, उसने दो जमीन खरीदे, तो दो जमीन खरीदे तो दो तरह के पैसे दिए होंगे उसने, दो लैंड हमारे पास होगा तो उसके लिए तो चलो हम स्टेटमेंट बनाते हैं अपना न्यूमेरिकल वैल्यू को पकड़ के। चलो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, प्राइस ऑफ फर्स्ट लैंड ये हो गया, फिर प्राइस ऑफ सेकेंड लैंड हमारे पास आ गया। अब दोनों का टुगेदर, दोनों को क्या कहता है ऑन सेलिंग दिस प्लॉट टुगेदर, वो दोनों को एक साथ बेचता है, दोनों को एक साथ जब बेचेगा तो उसके पास टोटल कॉस्ट होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके आप यहां पे इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,15,452। उसको ये जो लैंड टोटल लैंड का पैसा अपना पता लगा करके जब वो उसको बेचता है तो उसको 3,15,452 का प्रॉफिट होता है। माय डियर स्टूडेंट तो उसके बाद हमसे क्या पूछता है, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल लैंड। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा, टोटल कॉस्ट हमारा ये होगा दोनों लैंड का, और ये प्रॉफिट वो भी तो ऐड होगा क्योंकि वो अपने दिमाग में प्रॉफिट सोचा होगा तभी तो उसमें प्रॉफिट ऐड किया उसने, तो वही सेम चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारा ये आ गया और ये प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट का जो आंसर आएगा यहां लिख देंगे, प्रॉफिट आपके पास है ही, इसको ऐड कर दीजिएगा, आपके पास आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आई हैव अ बुक, मैं आपको बता देता हूं कि 13 नंबर क्वेश्चन 14, 15, 16 ये आप खुद से बना लोगे, ये प्रॉब्लम मैं आपको होम असाइनमेंट में डालूंगा, लेकिन जो भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम अभी बताया उसको अपने नोटबुक में जरूर कॉपी कर देना ताकि आपके पास ये रहे, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उससे रिलेटेड मैं होम असाइनमेंट बना करके आपको सेंड कर दूंगा। सो प्लीज स्टूडेंट वॉच द वीडियो एंड लाइक ऑल्सो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एज आई इंटरेक्ट एज आई टेल यू, you call me my mobile number, you have my mobile number, so please stay safe and stay healthy at your home, that's all, thank you।